पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आने वाली है। दरअसल इस बार लग रहा है कि विनेश फोगाट, जो कि लगातार पिछले दो ओलंपिक्स में मेडल लेस रहीं, इस बार वो मेडल लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब नज़र आ रही हैं। विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और कमाल का उनका प्रदर्शन अभी तक सेमीफाइनल से पहले तक रहा है, जिसमें सबसे पहले वर्ल्ड नंबर वन जापान की रेसलर को उन्होंने हराया और उसके बाद फिर जब क्वार्टर फाइनल मैच खेला तो वहां पर भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना मैच जीत लिया, ओक्साना को हरा दिया है। अब 7-5 से उन्होंने ये मैच जरूर जीता, लेकिन इस मैच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही थी यूक्रेनियन जो पहलवान हैं। और इसके अलावा विनेश फोगाट, जिन्होंने पहले मैच में यूई सुसुस्का को हरा दिया, वो एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिया होगा इनको, क्योंकि यूई सुसुस्का की अगर बात की जाए तो वो वर्ल्ड नंबर वन हैं और याद रहे 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे में उनको हराना अपने आप में एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस बूस्टअप की बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि विनेश फोगाट ये करने वाली पहली महिला रेसलर बनी है जो कि भारत से बिलोंग करती हैं, जो कि जापानीज़ इनको जिन्होंने हराया है। अब सेमीफाइनल जो मुकाबला है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, आज रात 9:45 पर सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। और सेमीफाइनल अगर जीत गई तो मेडल पक्का हो जाएगा। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मेडल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि विनेश फोगाट मेडल से सिर्फ एक कदम दूर हैं और वो ऐतिहासिक मेडल आने वाला है। क्या गोल्ड आएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।